राजधानी दिल्ली में रफ्तार का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा हादसा उस वक्त हो गया जब राजधानी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से मौके पर ही 4 की जान चली गई। इन लोगों में 30 साल का प्रदीप, 16 साल का मनीष, 45 वर्षीय राहुल, 38 वर्षीय शाह आलम और 25 वर्षीय छोटे खान के साथ 52 वर्षीय करीम शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के सीमापुरी के DTC डिप्पू रेड लाइट को पार करते हुए DLF टी पॉइंट की तरफ जा रहा था और देर रात तकरीबन 1:30 बजे के आसपास एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क के डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया, जिनमें से 4 की मौके पर ही जान चली गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना में शामिल वाहन का पता लगाने के लिए कई टीमों को गठन किया गया है, लेकिन हाल फिलहाल उस वाहन को भी नहीं पकड़ा जा सका है जिस वाहन ने इन लोगों की जान ली है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक ने इतनी जोरदार टक्कर मारी कि डिवाइडर पर लगा खंबा भी टूट कर नीचे गिर गया। साथ ही साथ इस पूरे हादसे में 2 लोगों को चोटें आई हैं और 4 की जान चली गई है।